आज के टाइम पे लोगों के लिए स्किन वाइटनिंग इतना जरूरी हो चुका है कि उनको लगता है कि अगर वो फेयर नहीं हुए ना तो उनको सरकारी जॉब नहीं मिलेगा. सरकारी जॉब तो छोड़िए, उनको कोई प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं देने वाला है. लोगों में स्किन वाइटनिंग की इतनी होड़ मची हुई है कि वो कुछ भी अपने स्किन पे लगाने के लिए तैयार है. वो कितना भी महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है, बस उनको स्किन वाइटनिंग चाहिए. क्या इतना जरूरी है स्किन वाइटनिंग? क्या वाकई में सिर्फ गोरे लोग ही दुनिया में सक्सेसफुल है, जो जिनका कलर थोड़ा सा दबा हुआ है, जो थोड़े से ब्लैक हैं, जो थोड़े से डस्की कलर के हैं, क्या वो सक्सेस नहीं है? पूछ के देखिए अपने आप से, कमेंट्स करके मुझे भी बताइएगा. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया घरेलू नुस्खा जो आपकी स्किन को थोड़ा सा फेयर बनाने में आपकी मदद करेगा. देखिए, रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, कभी डार्क सर्कल को लेके, कभी स्किन को फेयर बनाने को लेके, कभी बालों के लिए, कभी कुछ, और हर किसी को ध्यान में रखते हुए मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं. तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी स्किन को एक तो हेल्दी बनाना चाहते हैं या यूँ कह लें कि अपने कॉम्प्लेक्शन को निखारना चाहते हैं. और आज की जो DIY है वो बिल्कुल नया है, और इस DIY को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोकोनट मिल्क लेके आना है. ये जो मिल्क है मैं डाबर का यूज कर रही हूँ, मैं शॉप से लेके आई थी. ये जो मिल्क है आपका 1 वीक बड़े आराम से निकाल देगा. ये केवल 75 रुपीज का आता है, आपको 50 रुपीज का भी मिल सकता है. जो भी आपके पास शॉप है वहाँ से आप कोकोनट मिल्क लेके आ सकते हैं, या फिर घर पे भी आप कोकोनट मिल्क बना के उसका यूज कर सकते हैं. क्योंकि कोकोनट मिल्क के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी स्किन को अंदर से निकालता है. यकीन मानिए, अगर आप हर रोज कोकोनट खाना शुरू कर देंगे तो अपने आप अपने कॉम्प्लेक्शन में सुधार देख पाएंगे. यानी आपका जो स्किन कलर डल हो चुका था वो आप फेयर होता हुआ देख पाएंगे. तो ये जो क्रीम है इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं. इसके अंदर कोई एडिड कलर नहीं है, इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, ये 100% प्योर है. और आपको भी वही मिल्क यूज करना है जो बिल्कुल प्योर हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए. मैं आप लोगों को डाबर का ही सुजेस्ट करूंगी, बाकी आपके यहाँ जो अमूल का मिलता है या फिर किसी और ब्रांड का वो भी आप लेके आ सकते हैं. तो आपको कम से कम 3 बड़े चम्मच ये कोकोनट जो मिल्क है इसको निकाल लेना है. बहुत कमाल की रेमेडी है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा. बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, चाहे दाग धब्बे वो भी रिमूव हो जाएंगे. उसके बाद क्या करना है, आधा लेमन कट कर लेना है, और पूरा आधा लेमन आप इसके अंदर निचोड़ देंगे. लेमन क्या करेगा, जो कई बार इसके अंदर इतनी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, यानी स्किन पे थोड़ी सी चिपचिपाहट आ जाती है जब भी हम कोकोनट क्रीम लगाते हैं या फिर दूध लगाते हैं, तो उसकी सी हल्की सी उस चिपचिपाहट को कम करेगा. इसके अंदर विटामिन सी सबको पता है, और इसके अंदर भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाने में मदद करेंगे. तो लेमन आपको आधा ही डालना है, 3 बड़े चम्मच कोकोनट मिल्क, आधा लेमन हम इसके अंदर डाल देंगे. अब हमारा फेवरेट ग्राम फ्लोर यानी कि चने का आटा आपको लेना है. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पेस्टर चाहते हैं तो आप इसके अंदर चावल का आटा डाल लीजिए. मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो मैं इसको बेसन के साथ मिक्स करके लगाऊंगी. बेसन भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है, आपकी स्किन से फाइन लाइन झुर्रियों को हटाता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम को हटाता है. तो आपको है ना भर के इसके अंदर डाल देनी है 2 चम्मच, यानी कि उतना डालना है जितना कि आपका एक पैक बन के तैयार हो जाए. अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को. उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हल्दी. हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. किसी भी तरीके का अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर किसी भी तरीके का दाग धब्बा है, या फिर किसी भी तरीके का एक्ने है, पिंपल है, ब्लैमिस है, छाइयां हैं, डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, सन टैन है, उन सभी को रिमूव करने में हल्दी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है. सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और कुछ इस तरीके का स्किन वाइटनिंग फेस पैक आपका बन के तैयार हो जाएगा. तो ये पैक आपको यूज करना है, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको दिखा देगा कि हाँ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है. अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका जो स्किन के ऊपर मैल जमा हुआ या फिर आप अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी. ओके, लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको स्टीम लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से स्किन के अंदर जाए, आपके टिश्यूज को रिपेयर करे और आपकी जो स्किन के अंदर गंध है उसको क्लीन करने में मदद करे. स्टीम भाप आपके पोर को खोल देगी और जो आपकी स्किन है, जो डेड सेल्स हैं, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगी. और जो पैक हम लगाएंगे उसका बेनिफिट आपकी स्किन पर जाएगा ही जाएगा अगर आप स्टीम लेते हैं तो. तो मैं यहाँ पे वैसे तो रुमाल को पानी के अंदर डिप करके स्टीम ले रही हूँ. अगर आपके पास स्टीमर है या फिर मैंने एक और तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है
कि आप एक बाउल के अंदर पानी गर्म करके उसके साथ आप भाप ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ऐसे पसीना टपकना चाहिए आपकी स्किन से, या फिर ये रुमाल वाला भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आपने स्टीम लिया, यानी 3-4 मिनट के लिए फेस के ऊपर टॉवल रखना है, उसके बाद आपको जो आपका पैक है उसको उठाना है और उसे अपने फेस पे लगाना शुरू कर देना है। मसाज करते हुए हम इसको लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से। इसके अंदर हल्के हल्के से ग्रैनुल्स हैं, यानी स्कल्प का भी काम करेगा। जो कोकोनट हमने मिल्क लिया है ना, वो स्पेशली और स्पेशली आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाने के लिए ही है। अगर आप कोकोनट मिल्क का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप छुटकारा पाएंगे और आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर बनना शुरू हो जाएगा। आप इसको नेक पे, या फिर आप चाहें तो इसको अपने फुल बॉडी पर लगा सकते हैं, आप अपने एल्बो पर लगा सकते हैं, आप अपने अंडर पार्ट पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी एज में हैं आप इसको लगा सकते हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो गया है पहले के मुकाबले, तो लगाइए और इसको रहने दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। ओके, 20 मिनट के बाद क्या होगा कि ना तो ये प्रॉपरली तरीके से सूखेगा और ना ही ये ड्राई होगा, सेमी ड्राई होगा बिल्कुल अच्छे से। पहले हम इसके साथ अपने फेस पे मसाज करेंगे एक बार फिर से, और उसके बाद सिंपल पानी के साथ आपको अपना फेस वॉश कर देना है। ओके, तो ये था आपका पैक, और स्टीम देने के बाद ही आपको इसे लगाना है। वैसे तो आप हर रोज इस स्टेप को कर सकते हैं, लेकिन जो स्टीम वाला स्टेप है उसे आप वीक में सिर्फ 3 ही बार दोहराएंगे। वैसे ये जो पैक है इसे आप हर रोज लगा सकते हैं, स्टीम आपको 3 बार देना है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हर कोई इसको लगा सकता है। सेंसिटिव स्किन है तो आप इसका हल्का सा पैच टेस्ट करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा खाने पीने की। अगर आप हर रोज मौसमी का जूस पीते हैं, अगर आपको लगता है कि शादी आने वाली है और आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या फिर स्किन डल हो गया है, तो हर रोज मौसमी का जूस पीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हर रोज मौसमी का जूस पियेंगे ना, आपका जो अंदर का जो बॉडी है वो क्लीन होगा और उसका जो ग्लो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। हर रोज आपको मौसमी जूस पीना है। हो सके तो अपनी डाइट में कोकोनट को ऐड कर दें। हर रोज कोकोनट आप खा सकते हैं, कोकोनट के लड्डू बना के हर रोज आप खा सकते हैं। जितना आप कोकोनट खाएंगे, जितना आप विटामिन सी खाएंगे लाइक ऑरेंज या फिर बीट रूट या फिर मौसमी का जूस मैंने बताया, आपका कॉम्प्लेक्शन उतना ही निखरदा जाएगा। अगर आपको लगता है कि शादी होने में 1 महीना रह गया है तो 1 महीने पहले इसको करके देखिएगा, स्पेशली स्पेशली मौसमी के जूस को और इस पैक को लगाइएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है जैसा आपको चाहिए वैसा बनना शुरू हो जाएगा। आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ कृपया ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।